जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार से शराबबंदी हटाए जाने की चर्चा जब से शुरू की है तब से पॉलिटिकल पारा चढ़ा हुआ है। जनसुराज का बिल्कुल खुला मत है, लोग कहता है भैया शराबबंदी हटाने के लिए कहिएगा तो महिला वोट नहीं देगी, वोट मिले या न मिले ये समाज के हित में नहीं है, इसलिए जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो मिनटों में शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने अब शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर दी है। शराबबंदी कोई खराब नहीं है, हम लोग सब मिलकर के शराबबंदी का प्रस्ताव बिहार में लिया था। हम अब कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी रियलिस्टिक आदमी हैं, वो चौथी समीक्षा करें और देखें कि इसमें गरीब लोग कितने प्रताड़ित हैं। बिहार में पिछले 8 सालों से शराबबंदी है लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब का अवैध कारोबार न सिर्फ हो रहा है बल्कि तेजी से फल फूल रहा है। अभी 6 तारीख को ही कटिहार में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। आरजेडी का कहना है कि बिहार में मदिरालय नहीं विद्यालय और पुस्तकालय चाहिए। मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, विद्यालय चाहिए, महाविद्यालय विश्वविद्यालय चाहिए लोगों को। ये कह रहे हैं कि हम मदिरालय खोलेंगे। जब से बिहार में शराबबंदी हुई है तब से नशे के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे बिहार नए नशे के दलदल में धंस रहा है, लेकिन जेडीयू शराबबंदी के फायदे भी बता रही है। शराबबंदी के तो अनेक सकारात्मक पहलू सामने आए हैं, बिहार में एक्सीडेंट के मामले कम हुए हैं, बिहार में पारिवारिक कलह के मामले कम हुए हैं, इस तरह से झगड़े के मामले कम हुए, तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं जो शराबबंदी के होने के बाद इस तरह के मामले अध्ययन में सामने आए हैं। शराबबंदी को लेकर बिहार की महिलाएं सोचती क्या हैं? इसको लेकर हमारे रिपोर्टर ने महिलाओं से बात की। शराब पीने से इतना क्षति हो रहा है, ये सब जरूरत है बंद करना ही पड़ेगा। औरतें चैन की सांसें ले रही है अपना कि हम अपने पति को शराब न पीते हुए देखते हुए मतलब खुश है। बंदी रहेगा तो वो ठीक रहेगा, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, आप लोग सुरक्षित मानते हैं? हाँ, मानते हैं अपने आप को। सरकार दावा करती है कि शराबबंदी से महिला अपराध में कमी आई है। शराबबंदी की वजह से नीतीश ने महिलाओं के बीच लोकप्रियता बनाई है, लेकिन अब इसी शराब से सियासी संजीवनी की तलाश हो रही है।